Good morning, student. Welcome to the TSN school. Children, today we will read chapter 5, I की मात्रा. आज हम बच्चों कौन सा चैप्टर रीड कर रहे हैं? चैप्टर 5 रीड कर रहे हैं, जो है ई, छोटी ई, है ना, ई की मात्रा, छोटी ई. अब ई की मात्रा बच्चों किस तरह से लगती है, देखो यहाँ पे बताया है. जब हम ऊपर इस तरह से एक स्लिपिंग लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक आगे की तरफ, है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ होती है, और ऊपर की तरफ इस तरह से हमारे राइट साइड इस तरफ, है ना, इस तरफ टर्न होती है. एक लेफ्ट अपने राइट हैंड साइड पे एक मात्रा ऊपर की तरफ लगती है, जो इस तरह से नीचे झुकती है, ठीक है. इसे बोलते हैं छोटी ई की मात्रा. तो इस चैप्टर में हम छोटी की मात्रा लिखते कैसे, लगाते कैसे, और साथ में उसको रीड कैसे करते हैं, छोटी की मात्रा को पढ़ते कैसे हैं, ये हम करेंगे. फाइन, लेट स्टार्ट. देखो बच्चों, सबसे पहले आपको दिया है, ये देखिए पिक्चर्स देखते जाएंगे और उनके नेम हम नीचे जो नेम है उनको पढ़ते जाएंगे. ये दिया है बच्चों, द, द पे छोटी की मात्रा, ठीक है, द पे छोटी की मात्रा, जो कि देखो द के आगे की तरफ, मतलब लेफ्ट साइड पे, अपने लेफ्ट साइड मतलब उल्टे हाथ की तरफ, है ना, द के पहले. इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द के पहले एक लाइन खींचते हैं स्टैंडिंग लाइन, और उसको ऊपर से इस तरह से द पे लाके छोड़ते हैं. द जो लिखा है लेटर, जो द लिखा है, द, द के ऊपर लाके यहाँ पे टच करते हैं, ठीक है. तो ये कहलाता है दी. इसको कैसे बोलेंगे, दी. और ये पे आ की मात्रा. आ की मात्रा तो हमने कल पढ़ाया ना बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आ की मात्रा रीड की थी. आ की मात्रा को कैसे बोलते हैं, आ करके, ठीक है. और छोटी की मात्रा हम कैसे बोलते हैं, जल्दी से बोलते हैं, जल्दी से उसको बोलते हैं, मतलब उसको लंबा नहीं खींचते, हम जल्दी से रीड करते हैं. तो ये क्या बना, द पे छोटी की मात्रा, दी. क्या बोलेंगे, दी. या इसको पूरा पढ़ेंगे, दी या, दिया. क्या बोलेंगे, दिया, राइट. नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे हम, ये पिक्चर देखिए, अब इसको रीड करते हैं. इसका नेम क्या है, ह, ह, ह पे छोटी की मात्रा, मतलब जो है कि पहले है, से पहले लगती है और ऊपर ले जाके मुड़ती है. जैसे यहाँ मैं बताती हूँ फिर से, ये देखो छोटी की मात्रा इस तरह से बच्चों, जैसे यहाँ पे कोई अक्षर लिखा है उससे पहले इस तरह से और ऊपर ले जाके इस तरह से, है ना. यहाँ कोई अक्षर लिखेंगे हम तो उसके ऊपर, तो ये बनता है जैसे ह, ह के पहले एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की और ऊपर की तरफ मात्रा लगाई, जो इस पर ह के, जो ह के बिल्कुल सेंटर में यहाँ टच होती है. इसे बोलेंगे ही र ने. कैसे रीड कर रहे हैं, ही र ने, हिरण. क्या बोलेंगे, हिरण. नेक्स्ट है क, क पे छोटी की मात्रा, की. से पे आ की मात्रा, सा ने, किसान. क्या बोला हमने, किसान, मतलब किसान में हमने क को जल्दी से पढ़ा, की को थोड़ा जल्दी से बोला, है ना, इसको लंबा नहीं खींचेंगे. नेक्स्ट, से पे छोटी की मात्रा, सी. ते पे आ की मात्रा, ता रे, सितार, है ना, सितार. नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया आपको च, च पे छोटी की मात्रा, ची. डे, डे पे छोटी की मात्रा, डी. ये पे आ की मात्रा, या. ची डी या. अब इसको एक साथ बोले, चिड़िया. मतलब इन दोनों को हमने जल्दी से बोला और आ की मात्रा को हमने पूरा आ करके पढ़ा, है ना, चिड़िया, राइट. तो इस तरह से आप पिक्चर भी देखेंगे और इनको समझते जाएंगे. नेक्स्ट, टर्न योर पेज. नेक्स्ट पेज में देखिए बच्चों, एक बार ये जो हमारी क, ख, ग होता है, इस पे छोटी की मात्रा लगाकर हम कैसे रीड करते हैं, व्यंजन पे लगती हैं, तब इसको कैसे रीड करेंगे, ये बताया ऊपर इसमें, है ना, पिंक वाले पैराग्राफ, इसमें पिंक लाइंस के अंदर और उसके बाद नीचे वर्ड्स के अंदर भी दिए. चलो यहाँ से रीड करते हैं, क प्लस छोटी की मात्रा, मतलब क पे छोटी की मात्रा लगाई जाती है, तब क्या बनता है ना, इसको इस तरह से रीड करेंगे, क, क पे छोटी की मात्रा, की. क्या बन गया, की, राइट. नेक्स्ट, म प्लस छोटी की मात्रा, मी. प्लस मीन्स मतलब इसमें जुड़ रही है, इसमें लगा रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, फाइट. नेक्स्ट, त, त प्लस छोटी की मात्रा, ती. प, प प्लस छोटी की मात्रा, पी. नेक्स्ट, च, च प्लस छोटी की मात्रा, ची. ह, ह प्लस छोटी की मात्रा, ही. ज, ज प्लस छोटी की मात्रा, जी. ल, ल प्लस छोटी की मात्रा, ली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, दो अक्षर वाले शब्द. अब दो अक्षर वाले शब्द है बच्चों, टू लेटर वाले वर्ड्स हैं ये, इस भी छोटी की मात्रा लगाकर हम इसको कैसे रीड करते हैं. आपको ये चीज़ तो आई गई कि लगाते कैसे हैं, लिखते कहाँ हैं, अब रीड कैसे करते हैं ये सीखो. ब, ब पे छोटी की मात्रा, बी. न, बिन. द पे छोटी की मात्रा, दी. ल, दिल.
क व पे छोटी की मात्रा पी, तो क्या बनेगा कवि। तो आप बच्चों पहले अलग अलग इसको पढ़ना, अलग अलग बोलना और उसके बाद एक साथ बोलना। नेक्स्ट, द, द पे छोटी की मात्रा दी, न दिन, म पे छोटी की मात्रा मि, ल मिल, र व पे छोटी की मात्रा वी, रवि। ठीक है, नेक्स्ट, प पे छोटी की मात्रा पी, न पिन, ह पे छोटी की मात्रा ही, ल हिल, ह और र, र से पहले हमने क्या लिखा है, देखो र के आगे है ना, र से पहले लगी है छोटी की मात्रा, तो ये बनेगा ह री, हरी। नेक्स्ट, ग पे छोटी की मात्रा गी, न गिन, त पे छोटी की मात्रा ति, ल तिल, ग पे छोटी की मात्रा गी, र पे छोटी की मात्रा री। देखो दोनों अक्षर पे छोटी की मात्रा लगी है, इसको कैसे बोलेंगे, गी री, गिरी। ठीक है, जल्दी से बोलेंगे गिरी। नेक्स्ट, ल पे छोटी की मात्रा लिख, लिख, ब पे छोटी की मात्रा बी, ल बिल, त पे छोटी की मात्रा ती, थ पे छोटी की मात्रा थी। अब एक साथ बोलेंगे ती थी, तिथि, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नीचे दिया है तीन अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्दों पे जब छोटी की मात्रा लिखते हैं, इस पे लगाते हैं, तो इसको हम कैसे बोलते हैं, तीन अक्षर वाले शब्द, चलिए पढ़ते हैं। त पे छोटी की मात्रा ती, ल के तिलक, इसमें आपको तीन अक्षर रीड करने पड़ेंगे, पहले तीनों अक्षर को अलग अलग बोलो और उसके बाद उनको एक साथ रीड करो। नेक्स्ट, ब ग पे छोटी की मात्रा गी, ये पे आ की मात्रा या, ब गी या बगिया, राइट। नेक्स्ट, म पे आ की मात्रा माँ, ले पे छोटी की मात्रा ली, श मालिश, मालिश, राइट। नेक्स्ट, क पे छोटी की मात्रा की, रण किरण, ख ट पे छोटी की मात्रा टी, या खटिया, खटिया। नेक्स्ट, पा ल पे छोटी की मात्रा ली, श पालिश। नेक्स्ट, क पे छोटी की मात्रा की, ध र किधर, न दि या नदिया। नेक्स्ट, का ल पे छोटी की मात्रा ली, ख कालिख। नेक्स्ट, न पे छोटी की मात्रा नी, कट निकट, है ना बच्चों, इस तरह से एक एक अक्षर को पॉइंट आउट करके पढ़ना। ब पे छोटी की मात्रा बी, ट पे छोटी की मात्रा टी, या, ये पे कौन सी मात्रा आ गई, आ की मात्रा, तो कैसे बोलेंगे या। अब एक साथ बोलेंगे बी टी या, बिटिया। ठीक है, जब पूरा पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा जल्दी से बोलेंगे बिटिया। नेक्स्ट, बा र पे छोटी की मात्रा री, श बारिश। नेक्स्ट, टे पे छोटी की मात्रा टी, क ट टिकट, ट पे छोटी की मात्रा टी, क पे छोटी की मात्रा की, यह पे आ की मात्रा या, क्या बना टिकिया, टिकिया। नेक्स्ट, खा खे पे कौन सी मात्रा है, आ की मात्रा, है ना, एक सीधी रेखा, एक जो स्टैंडिंग लाइन होती है वो आ की मात्रा होती है, राइट। खा र पे छोटी की मात्रा री, श खारिश। नेक्स्ट, चार अक्षर वाले शब्द है ना, चार अक्षर वाले शब्द है बच्चों, झे पे छोटी की मात्रा झी, ले मैं पे छोटी की मात्रा में ले, आपको यहाँ पे फोर लेटर पढ़ने हैं और वो भी एक साथ बोलेंगे, पहले उसको अलग से पढ़ो और फिर एक साथ बने, है ना, इनको कैसे बोलेंगे, झे पे छोटी की मात्रा जी, ले मैं पे छोटी की मात्रा में ले, अब कैसे बोलेंगे इसको एक साथ, आप इसको दो दो टुकड़ों में भी कर सकते हैं, जैसे झिल मिल, एक साथ बोलो झिल मिल, राइट। नेक्स्ट, क पे छोटी की मात्रा की, श मैं पे छोटी की मात्रा में छ, किशमिश, है ना, आधा तो बोले किशमिश और एक साथ बोलेंगे तो किशमिश। नेक्स्ट, ग पे छोटी की मात्रा की, र ग पे छोटी की मात्रा री, गी ट, तो क्या बोलेंगे, गी र गी ट, गिरगिट। नेक्स्ट, प पे छोटी की मात्रा पी, क न पे छोटी की मात्रा नी, क पी क ने क, पिकनिक, पिकनिक। नेक्स्ट, ट पे छोटी की मात्रा टी, प टी प, दो बार आ गया ना टिप टिप। नेक्स्ट, सा ई छोटी ई और क पे छोटी की मात्रा की, ल, क्या बोलेंगे, सा ई के ल, साइकिल। नेक्स्ट, र व पे की मात्रा वी, वार, रवि वार, रविवार। नेक्स्ट, ना र पे छोटी की मात्रा री, य ल, नारियल। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे बच्चों, नीचे छोटा नीचे पैराग्राफ दिया हमें, इसको रीड करते हैं एक बार, हम इस पैराग्राफ को रीड करेंगे और उसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट है, इसके जल्दी से रीड करेंगे, आपको छोटी की मात्रा पढ़नी आ गई ना बच्चों, तब इसको रीड करते हैं। हरी, हरी उठ,
खड़ी पाई। दिन दिन निकल निकल आया खड़ी पाई। साइकिल साइकिल पर बाजार जा साइकिल पर बाजार जा खड़ी पाई। किशमिश किशमिश कोमा नारियल व धनिया ला खड़ी पाई। नेक्स्ट हिसाब कर खड़ी पाई। ही लहिल मिल मिल कर रह रह हिल मिल कर रह खड़ी पाई। ठीक है नेक्स्ट माता पिता पिता का कहना माने मान खड़ी पाई। इसका मतलब माता पिता का कहना मान। नेक्स्ट सितार बजा सितार बजा दिया जला खड़ी पाई। नेक्स्ट सरिता पिकनिक पर जा खड़ी पाई। मालिश कर खड़ी पाई। हिरन का शिकार मत कर खड़ी पाई। नेक्स्ट अनिल व रवि मत लड़ अनिल व रवि मत लड़ खड़ी पाई। सिर मत पकड़ सिर मत पकड़ खड़ी पाई। टिकिया ला खड़ी पाई। ठीक है ये पैराग्राफ इस तरह से आप रीड करेंगे बच्चों। अच्छे से आप खुद से रीड करना है चैप्टर, और नहीं समझ में आता है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए। मैं आपको बार बार मैं कहती हूँ अपने पेरेंट्स की, मम्मी या पापा जो भी आपको पढ़ाते हैं, बड़ी सिस्टर या ब्रदर हो आपके बड़े, अगर जो भी आपको स्टडी कराते हैं तो उनको बोलो कि थोड़ी सी हमारी हेल्प करो, है ना। कुछ अगर आपको रीड करना नहीं आ रहा पढ़ना नहीं आ रहा तो उससे आप पूछ के पढ़ सकते हैं ना। उनको कहो कि हमें बताओ और हमें कैसे पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों इसका अभ्यास, छोटी की मात्रा का ये पेज अभ्यास दिया है। इसमें हमारे क्वेश्चन आंसर है, इसे करते हैं हम फिल करते हैं। फर्स्ट दिया है छोटी की मात्रा इस तरह से जो पहले लगती है ना, लगाकर शब्द बनाओ। ये बच्चों दोनों साइड आपको वर्ड्स दिए हैं, इनमें कोई मात्रा नहीं लगी है, इसमें आपको छोटी की मात्रा लगाकर जो नया शब्द दोबारा से जो शब्द बनेगा वो यहाँ लिखते जाएंगे, है ना। यहाँ पर आपको फिल करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। करण अब इसमें हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो किस पे लगाएंगे बच्चों, क पे लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखो, हमने क लिखा और क के पहले या क से पहले, ठीक है। और कहाँ पे मात्रा ऊपर जाएगी और इस तरह से क की स्टैंडिंग लाइन पे देखो, क के जो बीच की लाइन होती है ना बच्चों, इस पे मात्रा ऊपर से इसके ऊपर आती है, ठीक है ना। मात्रा का ध्यान रखना बच्चों विशेष तौर पर कि मात्रा कहाँ लगाई जाती, किस तरह से लगाई जाती, मात्रा को कहाँ आना चाहिए। आप कैसे भी उल्टा सीधा ऐसे क लिख दिया और मात्रा ऐसे लगा दी, ये रॉन्ग है, ठीक है, ये रॉन्ग है। इस तरह से नहीं लगानी आपको, मात्रा परफेक्ट तरीके से बिल्कुल करेक्ट तरीके से लगानी है, आनी चाहिए कि किस कहाँ पे लगती है। तो जैसे ये कह लिखा है तो इसके ऊपर ही आएगी बिल्कुल, यहाँ से इस लाइन से स्टार्ट होगी, यहाँ से ऊपर से लगाएंगे इस लाइन से, और क की जो लाइन होती है सेंटर की यहाँ पे लगती है, ठीक है। तो ये बन गया कि, उसके बाद र, उसके बाद ण, क्या बना किरण, ठीक है, लाइन के नीचे लिखते जाना। नेक्स्ट है इसको लिखेंगे हम त, पे छोटी की मात्रा लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद ल, क, क्या बना ये तिलक, है ना। छोटी की मात्रा कैसे लगाई हमने, त के पहले जो स्टैंडिंग लाइन खींची इसके ऊपर से ली, और त की जो स्टैंडिंग लाइन होती है ये वाली इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर यहाँ टच होती है, ठीक है बच्चों। आप आगे पीछे नहीं लगाएंगे, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट सा ई लिखो, और अब क पे छोटी की मात्रा लगेगी यहाँ पे, इसके पहले एक लाइन खींची हमने स्टैंडिंग लाइन, और मात्रा कैसे लगाई ऊपर से ले जाके इस कह के ऊपर, कह की लाइन के ऊपर, और पीछे लिखेंगे हम ले। तो ये पूरा हमारा शब्द बनता है साइकिल। नेक्स्ट है फिर से ह, नेक्स्ट है ह, ह पे छोटी की मात्रा देखो, यहाँ से स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट करेंगे, और है की जो ये छोटी सी लाइन होती है ना बच्चों, है के ऊपर जो ये लाइन होती है यहाँ पे, यहाँ टच करेंगे। र, न, क्या बना हिरण। नेक्स्ट है लख, लख लिखा है तो इस पर हम मात्रा लगाएंगे ले के पहले, यहाँ से ऊपर से ले की लाइन पे लाके यहाँ पे लाके जोड़ेंगे, और उसके बाद ख, लिख, क्या बन गया लिख। छ, अब मात्रा व से पहले लगेगी और व की लाइन के ऊपर, जैसे आपने व लिखा है तो इसकी लाइन पे ऊपर से यहाँ से जाके यहाँ पे टच होगी, ये बन गया छवि, छवि, छवि। अब नेक्स्ट क, यहाँ आगे से क पे मात्रा लगाएंगे इस तरह से छोटी की मात्रा, फिर श लिखेंगे, उसके बाद फिर से म लिखेंगे और म के ऊपर भी छोटी की मात्रा लगाएंगे और फिर से श लिखेंगे। तो ये बनता है बच्चों
कि शय मी शय किशमिश। नेक्स्ट है हमने न लिखा, न के पहले एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से इस तरह से यहाँ न की लाइन है ना, छोटी की मात्रा और फिर क और ट, तो क्या बन गया निकट, राइट। इस तरह से मात्रा लगाते समय आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट है बच्चों चित्र देखकर शब्द पूरे करो। ये चित्र देखेंगे आप, पिक्चर है ना, आपको जो दिए हैं पूरे शब्द पिक्चर दिए हैं, इनको ध्यान से देखेंगे और इनके नेम जो दिए हैं बच्चों ये इनकम्प्लीट, इनको हम कंप्लीट करेंगे, राइट। चलो ये लिखा है, ये दिया है बच्चों पिक्चर में सितार। अब सितार कैसे लिखते हैं, स लिखेंगे और इसके पहले यहाँ से स्टैंडिंग लाइन करके ऊपर इस तरह से स की जो लाइन है इसके ऊपर एक छोटी की मात्रा लगाएंगे तो ये बनता है सितार। नेक्स्ट चिड़िया है बच्चों, ची तो लिखा है, अब डे लिख के डे के पहले एक लाइन लगाएंगे बच्चों, एक सीधी रेखा खींचेंगे और ऊपर मात्रा जाएगी वो इस तरह से इस लाइन पर टच होगी, ये बन गया चिड़िया, ठीक है। नेक्स्ट है साइकिल, अब इस पर क की मात्रा, क पे छोटी की मात्रा लगा के बनाएंगे तो ये बनेगा साइकिल। नेक्स्ट है बच्चों दिया, द पे छोटी की मात्रा लगाओ ये बन गया दिया। नेक्स्ट है हिरण, हिरण ठीक है, हैप्पी छोटी की मात्रा लगाई बन गया हिरण। नेक्स्ट है ये पिक्चर है बच्चों किसान का, जो खेती करते हैं हमारे लिए अनाज और फल फ्रूट सब्जी सब लगाते हैं वो किसान, अब कैपे छोटी की मात्रा लगाई हमने और ये बन गया किसान, राइट। तो दोनों एक्सरसाइज आप कंप्लीट करेंगे, दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और खुद से लिखेंगे, ठीक है ना, आप खुद से लगाएंगे लिखेंगे। इसके अलावा आप इस चैप्टर को रीड भी करेंगे और अच्छे से समझेंगे। फाइन, थैंक यू।